मैं इंडिया आया हूँ तो मैंने कुंदरू की सब्जी बनवाई है, बड़ी टेस्टी बनी है। और जो लोग अलग रहते हैं कनाडा में, लड़के वगैरह, वो भी बनाना सीख लो भाई। अब्रॉड देश में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी रहते हो यार, खुद भी बना सकते हो। ये है कुंदरू, कुंदरू की सब्जी। कैसे बनाएं मैं आपको बताती हूँ। ये कुंदरू है, अभी मैं इसको काटूंगी। ये देखिए इसको कैसे काटते हैं, ये मैं बताती हूँ आपको। ऐसे इसको कर लें और ऐसे चार चार टुकड़े कर लें। ये देखिए ऐसे करेंगे हम। ये देखिए इन सबको मैं ऐसे काट लूँगी चार चार टुकड़ों में। इनको ऐसे काटना है। ये देखिए ये मेरा परमल कट गया है। इसमें जो लाल हो उसको हटा देना है, हरे ही परमल डालने हैं, लाल परमल नहीं। और ये मेरा लहसुन है कटा हुआ और जीरा, ये डालूंगी मैं। तेल को पहले गर्म करना है, तेल जल जाएगा, धुआं आएगा, तब इसमें मैं लहसुन डालूंगी। ये देखिए अब मैंने लहसुन डाला है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, और थोड़ा जीरा। ये देखिए लहसुन जीरा थोड़ा लाल होगा तब मैं अपने ये कुंदरू डाल दूंगी। इसे कुंदरू कहते हैं, ये मैंने आपको दिखाए थे अभी। ये देखिए थोड़ा लाल हो गया है। अब इसमें मैं कुंदरू डाल दूंगी। कुंदरू बहुत टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं, और शुगर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। शुगर कंट्रोल में रहती है, यहाँ तक कि शुगर घट ही जाती है। इस शुगर को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। ये देखिए ये सब्जी बहुत हेल्दी है। इसको मैं थोड़ी देर चलाऊंगी और नरम होने के लिए थोड़ी देर ढक कर छोड़ दूंगी। अब ये मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। जब ये नरम हो जाएगा तब इसमें मैं मसाले डालूंगी सिम आंच करके। ये देखिए अब मेरी सब्जी थोड़ी नरम हो चुकी है। ये देखिए परवल थोड़े नरम हो गए हैं। अब इसमें मैं अपने मसाले डालूंगी। ये देखिए इसमें मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालें जितनी खाते हैं। हम थोड़ा तीखा खाते हैं चटपटा, तो मैं इसमें थोड़ा तीखा ही डालती हूँ। और ये हल्दी, नमक, ये धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा टमाटर डालेंगे क्योंकि टमाटर आजकल बहुत महंगा हो रहा है। वैसे भी इसमें थोड़ा ही डलता है, 1 या 2 टमाटर डलते हैं। ये देखिए कुंदरू की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी होती है, और मेन ये शुगर वालों के लिए अच्छी होती है। शुगर ख़त्म नहीं होती, मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे कंट्रोल में रहती है। मेरे को भी शुगर है, मेरी शुगर कंट्रोल में रहती है। ये देखिए मैंने इसको भून लिया, मसाला मिक्स कर दिया। मैं इसमें
इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये जले ना। ये वाली आधी कटोरी पानी, ये देखिए। अब मैं इसको 5-6 मिनट के लिए फिर ढक दूंगी। 5 मिनट में ये गल जाएंगे, फिर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हो गए हैं 5-6 मिनट हो गए मेरी सब्जी को। अब मैं इसे चलाऊंगी। हल्का पानी सूख गया है, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। थोड़ा पानी सूख गया है, मसाला थोड़ा चिपक रहा था, पानी डाल के सॉफ्ट हो गया। आपको 1-2 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ, फिर 2 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कुंदरू रेडी है। ऐसी बनती है कुंदरू की सब्जी, बहुत टेस्टी बनी है। हम खाने वाले हैं, मैं खाकर आपको टेस्ट बताती हूँ कैसा है। देखिए इसके साथ लस्सी भी है। वाओ, बहुत टेस्टी बने हैं चटपटे मसालेदार कुंदरू। ये कुंदरू की सब्जी है, आप भी बनाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।